जब से यूटीआई ने ये वाला सर्विस बंद किया है कूपन सिस्टम, लोग काफी परेशान हैं। कूपन कहाँ से ले, पैन कार्ड से अप्लाई करें, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। साथ में अगर आप तुलना करोगे ये वाला वेबसाइट अभी जो यूटीआई ने नया लॉन्च किया है और ये पुराना वाला वेबसाइट, तो ये पुराना वाला से कई बेहतर है ये नया वाला जिसमें बैलेंस सिस्टम किया गया है। अभी क्या होता है, कूपन नहीं खरीदना पड़ता है, आपको बैलेंस ऐड करना पड़ता है, बैलेंस इंस्टेंट ऐड होगा, साथ में आईडी भी इंस्टेंट क्रिएट होगा। तो चलिए पूरा प्रोसेस जानते हैं। आप भूल जाओ, यहाँ से आप पैन अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपके आईडी में पहले से स्टॉक है कूपन तो ही आप पैन बना सकते हो यहाँ से। अगर आपका आईडी में यहाँ पर कूपन खत्म हो गया तो अब आप यहाँ से आप पैन अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ब्राउजर हम अभी क्लोज करते हैं। अभी नया वाला फंक्शन में बात करते हैं। तो नया वाला फंक्शन ने यूटीआई में क्या किया, यहाँ पर बैलेंस एड करना पड़ता है। तो बैलेंस आप इंस्टेंट एड कर सकते हो, किसी को भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। साथ में आप आईडी भी इंस्टेंट ले सकते हो, किसी भी को भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर कोई अदर्स प्रॉब्लम आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले ये बात करते हैं अभी नया पैन अप्लाई कहाँ से करें। अगर आपके पास पैन कार्ड पेंडिंग है तो आईडी कैसे लोगे, तो देखिए सबसे पहले आपको आ जाना है इस वाले वेबसाइट में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे रजिस्टर्ड करोगे ये वाला आईडी आपका क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए वो कैसा रहेगा प्रोसेस वो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, क्रिएट अकाउंट में जाना है। क्रिएट अकाउंट में जैसे आओगे यहाँ पर आपका फुल नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, आपका कंपनी नाम मतलब शॉप नेम और आधार नंबर। यहाँ पर देखिए NSDL का भी सर्विस लाइव है, आप NSDL से भी आप पेन अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपका मर्जी आप UPI से करना चाहते हो तो UPI से भी कर सकते हो। यहाँ पर पेन नंबर डालोगे, आईडी सेलेक्ट करोगे, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको व्हाइट लेबल लेना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। तो रिटेलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पेटीएम सेलेक्ट करेंगे पेमेंट के लिए। यहाँ पर ₹19 पेमेंट करना पड़ता है न्यू आईडी के लिए। अगर आपके पास पहले से आईडी है तब हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए ये डिटेल्स हम फटाफट भर लेते हैं। फिर पे नाउ में क्लिक करके आपको आईडी क्रिएट करके और साथ में आपका जो बैलेंस एड का सिस्टम वो भी बता देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो मैं पूरा डिटेल्स भर चुका हूँ। याद रखोगे यहाँ पर एक मोबाइल नंबर मतलब एक नंबर से एक ही आईडी बनेगा। अगर आप एक ही मोबाइल नंबर दोबारा यूज करना चाहोगे तो नहीं होगा, ठीक है, मतलब यूनिक मोबाइल नंबर चाहिए। पे में क्लिक करोगे यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे में ले जाएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा ₹19, ये आपका रिटेलर आईडी के लिए। तो फटाफट यहाँ पर हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको आईडी कहाँ मिलेगा, कैसे काम होगा, वो भी इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ 2-4 मिनट के अंदर ही बता देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते वीडियो। ये रहा, स्कैन कर दिए पे। यहाँ पर देखो ये पेमेंट, यहाँ पर देखिए ये पेमेंट हो चुका है सक्सेस। अभी ये रिडायरेक्ट करेगा आपको। यहाँ पर एक ओके का ऑप्शन आएगा, आप ओके में क्लिक करोगे। ओके में जैसे क्लिक करोगे ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। ऑप्शन जगह मेरा आईडी और पासवर्ड क्या है, आईडी पासवर्ड तो मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट तो लॉगिन हो चुका है, लेकिन अब आईडी पासवर्ड आपको कैसे पता चला, मान लो लॉगिन नहीं हुआ या फिर कुछ एरर आ गया। तो जो भी आपने मेल आईडी दिया था वो मेल आईडी ओपन करोगे, यहाँ पर देखेंगे अभी मेल आया कि नहीं। अगर यहाँ पर आपको मेल नहीं देखने को मिलता है तो आप स्पैम फाइल में जाकर भी देख सकते हो। ये देखिए यहाँ नो रिप्ले से आया है, एक नो रिप्ले बोल के। यहाँ पर देखो आपका नाम है, आपका आईडी यूजर आईडी हो गया और ये आपका पासवर्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका यूजर आईडी और पासवर्ड, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। कहाँ लॉगिन करना है, funnypen.com में, ठीक है, जो URL आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। लॉगिन करने के बाद आपको आ जाना है, देखिए जो भी सर्विस एड चलाना चाहते हो वो चला सकते हो। जैसे एड मनी का ऑप्शन है, इंस्टेंट EKYC पेन है NSDL का, इंस्टेंट ई साइन पेन है NSDL का, और यहाँ पर UTI पेन सर्विस भी है। तो UTI में हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये बता रहा है कि अपडेट EKYC, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ डिटेल्स, यहाँ पर सब कुछ सही है, सिर्फ जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपडेट में क्लिक करेंगे, ये प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। फिर से हम आएंगे यहाँ पर देखिए UTI सर्विस में, तो यहाँ पर ये बता के रखा है कि आप PSA सर्विस एजेंट PSA जनरेट PSA आईडी। यहाँ पर आप क्लिक करोगे सिर्फ एक बार, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर ये बता रहा है वैली आईडी, वैली क्रिएट सक्सेसफुली एंड रजिस्ट्रेशन कोड, ये आपका रजिस्ट्रेशन कोड हो गया। तो इसे हम सेव कर लेते हैं और आगे चल के काम लग सकता है, इसलिए आप इसे सेव कर लो। या फिर आपका मेल आईडी चेक करो, ये बता रहा है कि आपका PSA का आईडी बन चुका है, मतलब यहाँ वाला आईडी बन चुका है। वो आईडी कहाँ मिलेगा आपका, अब ये आईडी आपको कहाँ मिलेगा, आपके ईमेल आईडी में मिलेगा। तो चलिए ईमेल आईडी आते हैं। यहाँ पर देखिए ये ईमेल आ चुका है, ये कहाँ से आया, PSA ऑनलाइन मतलब UTITLS से आया। तो ये बता के रखा है कि ये आपका आईडी है और ये आपका रजिस्ट्रेशन कोड है। तो ये रजिस्ट्रेशन कोड आप भूलोगे नहीं, क्योंकि इसी आईडी से आपको ये रजिस्ट्रेशन कोड आपको जरूरत पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखो, यहाँ पर आईडी आपका अधूरा दिखा रहा है ईमेल में, तो पूरा आईडी आपको कहाँ दिखाई देगा, यहीं पर आपको दिखाई देगा। लो डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं, UTI सर्विस, यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा ये आपका आईडी हो गया, FANICE
AS, यहाँ से लेके डैश लेके आपका ये नंबर पूरा कॉपी कीजिए, और यही फर्स्ट टाइम आपका यही आईडी है और यही पासवर्ड रहेगा। तो यहाँ पर हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन करते हैं। इस बार आप बात क्या रहा, यहाँ तक आपने ये समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। यूजर आईडी और पासवर्ड इंस्टेंट क्रिएट हो गया। अब जब भी आप बैलेंस एड करोगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करके यहाँ पर देख सकते हो, एक परचेस ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा, यूटीआई सर्विस में आओगे तो परचेस कूपन का ऑप्शन दिया गया। आप क्वांटिटी डालोगे, कितना पेन आपको बनाना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बनाया, एक पेन बनाना है तो 103 रुपया, 103 रुपया कटेगा आपका वॉलेट से, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में लोड होगा 107 रुपया, मतलब कितना, 4 रुपया ज़्यादा, 10 पेन में आपका 40 रुपया ज़्यादा लोड देंगे, ठीक है। तो चलिए ये फटाफट आईडी हम अभी लॉगिन करते हैं और आपको एक बैलेंस एड करके दिखा देते हैं बैलेंस कैसे एड करोगे। यहाँ पर हम अनकिनो विंडो में खुले हैं, क्योंकि वो वाला विंडो में, वो वाला ब्राउजर में एक आईडी ऑलरेडी लॉगिन था, इसलिए मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ा। आईडी डाल दिए, पासवर्ड देख लोगे, पासवर्ड अभी पासवर्ड ही डाले हैं, अभी सबमिट कर दिए, इसलिए ये चेंज हो चुका है। अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाएगा फर्स्ट टाइम। देखिए, याद रखोगे जब भी आप पीएसए जनरेट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे, आईडी जनरेट होता है, सेम वही आईडी कॉपी करना है। यहाँ पर आके कॉपी पेस्ट करना है आईडी पासवर्ड, इस तरह से आएगा, आपको ओके करना है। इस वाले बॉक्स में आपको टिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ये खुल गया है, और ये रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ पर मांग रहा है। रजिस्ट्रेशन कोड देखिए, यहाँ पर अपना डिटेल्स चेक कर लोगे, सब कुछ सही है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कुछ गलत है, जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट अपना जो भी है सिलेक्ट कर दोगे, और मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया गया, आप इसका जवाब दे दीजिए, जो भी है वो सिलेक्ट करोगे, जो भी आपका जो सूट कर रहा है वो सिलेक्ट करोगे, जवाब दे दोगे। रजिस्ट्रेशन कोड आपका जो ईमेल में आया था वो डालोगे। तो चलिए हम यहाँ मेल चेक कर लेते हैं, ये रहा मेल, कॉपी कर लिए रजिस्ट्रेशन कोड और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोड डाल दिए। जैसे रजिस्ट्रेशन कोड डालोगे आप, ये ऑटोमेटिक आगे होगा, आप सबमिट करो या ना करो, अगर रजिस्ट्रेशन कोड सही है तो ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बताएगा आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो, तब सबसे पहले आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेना। यहाँ पर देखिए ओके करेंगे, ओल्ड पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो ओल्ड पासवर्ड जो आईडी था वही है, तो हम आईडी कॉपी कर लिए, पेस्ट कर दिए। न्यू पासवर्ड डालोगे, फिर से कंफर्म करोगे, सबमिट में क्लिक करोगे, तो चलिए डाल देते हैं, डाल दिए सबमिट में क्लिक। ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, मतलब आपका यूटीआई आईडी, पीएसए आईडी कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, ये एक्टिव हो गया जो यूटीआई ने नया वेबसाइट लॉन्च किया है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लॉगिन करोगे तो लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये इसका लिंक में लास्ट में ये दिया गया है लॉग आउट, तो अभी लॉग आउट पेज में अभी हो आप, इसलिए लॉगिन नहीं होगा। फिर से न्यू पेज लेंगे, अभी पीएसए में जाएंगे, फिर से डायरेक्ट लिंक में लास्ट में लॉगिन होम लिखना, लिख के रहना चाहिए। हम आईडी डालेंगे जो अभी आईडी बनाए, अब पासवर्ड डालेंगे जो अभी पासवर्ड हम बनाए, कैप्चा डालेंगे, सबमिट, ये हो गया लॉगिन सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देखो कि इसमें अभी बैलेंस नहीं दिखेगा, अब आपको बैलेंस लेना होगा, लेना होगा कि नहीं, इसमें अब बैलेंस आपको लेना होगा। यहाँ देखो अभी 0-0 है, तो बैलेंस आप कैसे ले सकते हो, दो तरीके, एक तो आप कॉन्टैक्ट करोगे, तो कॉन्टैक्ट करोगे वो अभी अवेलेबल है कि नहीं, आपको बैलेंस डाल पाएगा कि नहीं, तो वो झंझट छोड़ो। अभी इंस्टेंट कैसे लोगे, मान लो अभी आपको 2 पेन अप्लाई करना है, तो यहाँ पर 2 पेन का बैलेंस होना चाहिए, तब ना पेन अप्लाई होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, fannypen.com में आओगे, यहाँ पर लॉगिन करोगे, एक बार लॉग आउट कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया था, तो आपको पता नहीं चला शायद कि कैसे लॉगिन करेंगे, जो आपका मेल आईडी में आया था ये आपका आईडी हो गया था। चलिए हम यहाँ पर इसका आईडी कॉपी कर लेते हैं, और पासवर्ड क्या था, ये वाला पासवर्ड, लॉगिन, ये लॉगिन हो गया, ये आईडी पासवर्ड लॉगिन हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आपको बैलेंस चाहिए, तो बैलेंस कैसे ऐड करोगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर जाओगे यूटीआई सर्विस में, तो यहाँ परचेज कूपन का ऑप्शन दिया गया, और वही आईडी, यही आईडी आपका यहाँ शो करता है। यहाँ पर देखिए ये वाला आईडी है आपका, ये वाला आईडी आपका यहीं शो करेगा, इस वाले आईडी में, जहाँ से आप NHDL और रिचार्ज का सर्विस का लाभ उठा सकते हो। तो यहाँ क्वांटिटी डालेंगे, 103 दिखा रहा है, तो 103 रुपया आपके वॉलेट में होना चाहिए, तब जाके आप परचेज कर सकते हो। तो चलिए फटाफट इसे हम 103 रुपया रिचार्ज करते हैं, एड मनी 103, या फिर आप जितना कर सकते हो वो आपका मर्जी, 103 ऐड करोगे या 1,000 या 10,000, 5,000, 1,000, जो भी ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। अभी हम पेमेंट करेंगे फटाफट इसको, 103 रुपया ऐड हो जाएगा, ये स्कैन किए, रसीद पिन डालो, पेमेंट करो, ये पेमेंट सक्सेस हो चुका है। अब ये थोड़ा, ये देखिए यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो गया, ये ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट करेगा, सिर्फ आपको ओके में क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए 103 रुपया आ चुका है। अब परचेज कूपन कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने बताया परचेज कूपन में आओगे, क्वांटिटी डालोगे, 103 रुपया, 103 रुपया बैलेंस है, परचेज नाउ में क्लिक करोगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ सक्सेसफुली परचेज कूपन सक्सेसफुली आ गया,
अब हम क्या करेंगे, वो वाला पोर्टल चेक करेंगे, यहाँ पर देखो रिफ्रेश करेंगे एक बार। रिफ्रेश मतलब आप होम में क्लिक कर दीजिएगा, ये रिफ्रेश हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके रीलोड करोगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो इसे रीलोड होने दो। यस सर, यहाँ पर देखिए 107 रुपया अवेलेबल है। तो अब जैसे इंस्टेंट आप आईडी बन जाएगा, इंस्टेंट और बैलेंस एड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप नया आईडी लेके अभी आप फिलहाल पैन अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास पैन पेंडिंग है। बहुत लोग कंफ्यूज था कि पैन कार्ड अप्लाई कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा। और साथ में देखिए मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियर से समझा देता हूँ, आप याद रखोगे। जब भी आप यहाँ पर फनी पैन, जैसे कि हम यहाँ लॉग आउट कर देते हैं, इस वाले वेबसाइट में आप जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है ना, यहाँ पर जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे, कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, आप अपना मेल आईडी चेक करोगे और ज़्यादातर स्पैम फाइल में आ जाता है, ना जाने कैसे स्पैम फाइल में आता है। लेकिन आप यहाँ पर देखो नो रिप्ले से एक मेल आएगा, एफ बी पैन सर्विस। यहाँ पर देखो आपका नाम रहेगा, आपका यूजर आईडी रहेगा, आपका पासवर्ड रहेगा। तो वही यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ रहेगा, लिंक में जाके लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको जनरेट का ऑप्शन मिलता है, पीएसए जनरेट आईडी। तो वहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका आईडी जनरेट हो जाता है। जनरेट होने के बाद फिर से आप मेल चेक करोगे, लगभग एक मिनट या इंस्टेंट आ जाता है। वही ये मेल यूटीआई से आता है, जो यूटीआई का आईडी बनता है। यहाँ पर देखो आईडी आ गया। तो इसके पहले क्या लगेगा, मैंने आपको बताया था कि इसके पहले ये लगेगा FANICAS- ये वाला, ठीक है, ये आपका कंप्लीट आईडी रहेगा। और अगर यहाँ कंप्लीट आईडी शो नहीं करेगा तो आपको यहाँ लॉगिन करना है। परचेज कूपन में जाओगे तो साइड में अभी शो कर रहा था, जैसे वो शो करेगा, आप वहाँ से आईडी पासवर्ड लेके अपना आईडी एक्टिवेट करोगे मेन वेबसाइट में, मेन वेबसाइट बोले तो यहाँ पर। और बैलेंस सेट करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करके परचेज नाउ में क्लिक करना है। उम्मीद करता है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाओगे। अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ रहा होगा तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं।